देखो प्रभास की अपकमिंग मूवी सलार 1000 करोड़, 2000 करोड़ या फिर 3000 करोड़ रुपए ही क्यों ना कमा ले, लेकिन फिर भी इस मूवी की सक्सेस में प्रभास से ज्यादा दो लोगों की तारीफें होगी, जिनमें से पहले हैं केजीएफ यूनिवर्स के मास्टरमाइंड प्रशांत नील, जिन्होंने इस मूवी को डायरेक्ट किया है, और दूसरे हैं केजीएफ यूनिवर्स को इंडिया में फेमस करने वाले रॉकी भैया यानी कि रॉकिंग स्टार यश। और ऐसा इसलिए होगा क्योंकि प्रभास ने बाहुबली के बाद जितनी भी फिल्में बनाई हैं वो सारी की सारी मूवी फ्लॉप रही हैं। और ये बात तो सबको पता थी कि केजीएफ यूनिवर्स की अगली फिल्म या तो ब्लॉकबस्टर होगी या फिर ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर होगी। तो ऐसे में अगर प्रभास को उनके स्टारडम को बरकरार रखना है तो उन्हें सलार के अलावा भी एक और ब्लॉकबस्टर देनी होगी, और शायद उनकी अगली ब्लॉकबस्टर या तो प्रोजेक्ट की हो सकती है या फिर संदीप रेड्डी वांगा की स्प्लिट मूवी भी हो सकती है।